बढ़ती महंगाई से आज आम जनता काफी परेशान है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर जनता को कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन इस राहत के बाद अब जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पूरी तैयारी कर रही है। बता दें कि जीएसटी काउंसिल की ओर से बनाया गया एक मंत्रियों का समूह इस पर अभी विचार भी कर रहा है। दरअसल जीएसटी फिटमेंट कमेटी ने माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जिस पर चर्चा ये है कि अभी जिन सामानों पर जीएसटी 5% है उसे बढ़ाकर 7% और 18% वाली जीएसटी दर को बढ़ाकर उसे 20% कर दिया जाए। 5% जीएसटी जरूरी वस्तुओं पर लगता है, अधिकतर वस्तुएं और सेवाएं 18% जीएसटी के दायरे में आती हैं। जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी से सरकार को 3,00,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा और ये केंद्र और राज्यों में भी आधा आधा बटेगा। इस बढ़ोतरी से सरकार पेट्रोल डीजल में घटाई गई एक्साइज ड्यूटी की भरपाई कर सकती है। बता दें कि जीएसटी के रेट स्ट्रक्चर और स्लैब रेशनलाइजेशन पर बदलाव को लेकर 27 नवंबर को कोई अहम फैसला हो सकता है और इस बढ़ोतरी के साथ ही आपके बजट पर भी इसका पूरा असर पड़ सकता है। 27 नवंबर को मंत्री समूह की बैठक में जीएसटी स्लैब में बदलाव पर बड़ा फैसला आ सकता है। वहीं इस बैठक में मंत्री समूह को भी फैसला होगा, उसे जीएसटी काउंसिल की दिसंबर में संभावित बैठक में पेश भी किया जा सकता है। कोरोना के दौरान हर सेक्टर पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। पिछले कुछ महीनों से लगातार लोग वापस पटरी पर लौटे हैं और फिर से कोविड के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिशों में लगे हैं। ऐसे में जीएसटी की दर बढ़ने से इस आर्थिक बोझ का असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। दरअसल 1 जनवरी से जीएसटी की दर बढ़ने से बाजार में थोक और रिटेल के लिए आने वाला कपड़ा, रेडीमेड और फुटवेयर भी महंगा दर पर मिलेगा। ऐसे में जहां व्यापार पर इसका असर पड़ेगा, वहीं छोटे व्यापारियों पर इसका और ज़्यादा बोझ बढ़ेगा, क्योंकि पहले से ही कपड़े महंगे हैं। चर्चा है कि सोना और चांदी पर भी जीएसटी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। अगर ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो सोने और चांदी के भाव और भी बढ़ जाएंगे। कोरोना के बाद इन त्योहारों में मार्केट पूरी तरह से खुला था, जिससे पिछले दिनों हुए नुकसान की कुछ प्रतिशत भरपाई तो जरूर हुई। ऐसे में सोने चांदी के दाम बढ़ने से खरीदारी पर असर पड़ने की पूरी संभावनाएं हैं। अभी हाल ही में सरकार ने सिले सिलाई यानी कि रेडीमेड कपड़े और जूतों पर जीएसटी की दर को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया है और ये नया आदेश जनवरी 2022 से लागू भी होने वाला है, जिसके बाद कच्चा माल, रेडीमेड कपड़ों के अलावा जूते भी महंगे हो जाएंगे। पहले ही कपड़े पर 12% जीएसटी निर्धारित है और रेडीमेड कपड़े पर 5% जीएसटी लगता है, यानी कि फिलहाल कपड़ों पर 17% जीएसटी देना पड़ता है। लेकिन अब अगर 7% जीएसटी बढ़ता है तो रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल पर 12% और रेडीमेड पर 12% यानी कि कुल मिलाकर 24% जीएसटी देना होगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का असर ट्रांसपोर्ट, सब्जियों समेत कई जगह पर पड़ा था। ठीक वैसे ही व्यापारियों को जीएसटी भुगतान के बाद ट्रांसपोर्ट का भी पूरा देना होगा और आम लोगों तक पहुंचते पहुंचते ये कुछ फीसदी और महंगा हो जाएगा, जिसका आम आदमी पर सीधा असर पड़ेगा, यानी कि आपकी जेब फिर से ढीली होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।